नमस्कार दोस्तों, एनवी क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम पिक्सआर्ट और लाइटरूम की हेल्प से इस प्रकार की एडिटिंग करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बैकग्राउंड के डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले तो हम अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप में शेयर कर लेते हैं डायरेक्ट गैलरी से। दोस्तों, पिक्सआर्ट में आने के बाद सबसे पहले हमें ऐड फोटो पे क्लिक करना है और अपने जो भी अपना मॉडल होगा या आपकी खुद की फ़ोटो है तो उसकी PNG इमेज हमें इसमें लगा लेनी है। और अगर आपको PNG बनानी नहीं आती, अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना नहीं आता, तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, उससे आप सिर्फ एक ही क्लिक में अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर पाओगे। तो जैसा कि अब हमने यहाँ पे इसे अपने मॉडल को सेट कर लिया है, अब इसमें सबसे पहले हमें यहाँ शैडो पे क्लिक करना है और पोजीशन पे क्लिक करना है। पोजीशन में जाने के बाद इसका हॉरिजॉन्टल ये तो कर देंगे बिल्कुल 0 के करीब और इसे हम ऊपर की तरफ कर देंगे, जैसे अभी हमने कर दिया -43-42 के करीब। और फिर हम इसमें एडजस्ट में जाएंगे और हम शेडो के ब्लर को बिल्कुल कम कर देंगे, जैसे 20-25 के करीब। अब हमें ऐड फोटो पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी से एक और PNG फोटो इसमें अपलोड कर लेनी है। इस PNG को हमें अपने पैरों के नीचे एडजस्ट करना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ। और फिर इतना करने के बाद ये जो साइड में आपको लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये लेयर पे क्लिक करके इसे मूव डाउन पे क्लिक कर देना है, फिर ये अपने पैरों के जूतों के नीचे चला जाएगा ये निशान। दोस्तों, अब हमारा पिक्सआर्ट का काम कम्प्लीट हो गया। अब हम सीधा राइट वाले निशान पर क्लिक करेंगे और फिर ड्रॉ वाले टूल पे सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा ड्रॉ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे। और फिर हम आगे ओपन करते हैं अपना लाइटरूम है। दोस्तों, लाइटरूम में आने के बाद सबसे पहले हमें ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को इसमें ऐड कर लेना है। अब ऑल फोटोज़ पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। अब दोस्तों, एडिटिंग में सबसे पहले हम लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लाइट वाले ऑप्शन पे जाने के हमें एक्सपोजर इसका थोड़ा सा कम कर लेना है, थोड़ा सा कम, लगभग -0.045 के आसपास करना है। चलो मैं इसे कम कर लेता हूँ। और फिर कॉन्ट्रेस्ट को भी माइनस करना है, -23-24 के आसपास करना है इसे। और फिर हाइलाइट्स को भी माइनस कर लेना है, -70 के करीब। और फिर हमारे शेडोज को हमें इंक्रीज करना है, 50+ कर लेना है इसे। और वाइट्स को भी हमें प्लस करना है, वाइट्स को प्लस करना है। और इसके बाद दोस्तों, हमें ब्लैक्स को माइनस कर देना है, जैसा कि -25 के आसपास। अब हमारे यहाँ का काम हो गया। अब हमें कलर पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले हमें टेम्परेचर को -4 के करीब करना है, विब्रेंस को प्लस करना है और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा प्लस करना है। अब हम मिक्स टूल पे क्लिक करेंगे। मिक्स में हमें पहले कलर में सेचुरेशन को माइनस करना है, -27। अब दूसरे पे क्लिक करेंगे कलर पे, उसमें ह्यू को 15 के करीब और सेचुरेशन को माइनस करना है, -30 के करीब। और लुमिनेंस को +40 के आसपास कर देना है। और इसके बाद तीसरा हमें कुछ नहीं करना, फोर्थ में कुछ नहीं करना, फिफ्थ में आ जाना है। इसमें हमें ह्यू को 100 कर देंगे और उसके बाद सेचुरेशन को 100 कर देंगे। फिर हमें सिक्स्थ कलर पे क्लिक करना है, इसमें हम ह्यू को -10 के करीब करेंगे। फिर सेवन्थ पे क्लिक करना है, सेवन्थ में ह्यू को -100 कर देंगे। और फिर एट्थ कलर में भी ह्यू को +100 कर देंगे। अब हमारा मिक्स टूल का भी काम कम्प्लीट हो गया। अब दोस्तों, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। इफ़ेक्ट्स में हमें क्लैरिटी को प्लस करना है और डिहेजो को +10 के करीब करना है, विगनेट को
20 के आसपास करना है। चलो अपना इफेक्ट्स का भी काम हो गया। अब हमें दोस्तों डिटेल में क्लिक करना है। डिटेल में जाने के बाद हमें सबसे पहले तो शार्पनिंग 20 के आसपास करनी है, 20 के आसपास, और फिर नीचे जाके कलर नॉइस रिडक्शन में जाना है हमें, और इसको भी 25 कर देना है, और फिर डिटेल्स 100 कर देनी है, और फिर स्मूथनेस भी 100 कर देनी है। तो दोस्तों हमारा लाइटरूम का काम भी हो गया। देखते हैं, आप देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फ़ोटो एडिट हो चुकी है ये। और अब हमें शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को डिवाइस में सेव कर लेना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।